तो हम तो जो वो तो जो फ्रॉड फैला रहे हैं, हम उनके इस फ्रॉड से इतने डरे हुए हैं कि सैंक्शन कर दिया पैसा। और ताज्जुब की बात यह है कि इतना डराया आपको 70 सालों में, समाज को तो डराया, लेकिन आपके समाज की जो लीडरानी करने जाते थे, जो रहनुमाई करने जाते थे सियासी लीडरान, उनको भी इतना डरा दिया उन्होंने। एक घटना बताता हूं मैं कि ये जो ताजमहल है उसके ऊपर इतने कसीदे पढ़े जाते हैं, इतनी शेरो शायरी होती है, लेकिन बेसिकली ताजमहल तो कब्र है। उसको बहुत खूबसूरत तरीके से बना दिया, उसको आलीशान तरीके से बना दिया, उसमें हीरे जड़ दिए, लेकिन है तो कब्र, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। आप सोचिए कि 700 साल की गुलामी आपके ऊपर इतनी हावी रही, और जिन्हें वीर सावरकर के वीर होने पे सवाल खड़ा करते हैं, जिनको अपने पूर्वजों पे शर्म है, उनको लगता था कि ताजमहल ही भारत की शान है। तो एक कानून बना कि विदेशी मेहमान जो आएगा भारत में, उसे राष्ट्रपति भवन के अंदर जब वो जाएगा तो ताजमहल का रेप्लिका दिया जाएगा, क्योंकि ये भारत की पहचान है। किसी देश के एक ईमानदार मुसलमान मौलवी ने, हफीज ने, किसी ने नहीं बोला मुफ्ती ने कि भाई ये कब्र है और कब्र को घर में रखना हराम है, लेकिन ताजमहल 90% मुसलमानों के घर में रखा हुआ है। अब सवाल यह है कि मैंने जैसा कहा कि अल्लाह ने भेजा इसको, ये चले गए राष्ट्रपति भवन। इसलिए मैं कह रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, इस सदी में जो कौम पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो रही है, हमारा लीडर होना हो, लेकिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। देर में समझ में आएगा, क्योंकि उनके यहां तो ये रस्म है कि जब चला जाता है तब आदमी को याद करते हैं, अच्छा वो ये कह रहा था। राष्ट्रपति भवन गया और उसने पूछा प्रणब मुखर्जी जी से कि ये भारत के जो मेहमान आते हैं दुनिया भर के, हम जब उन्हें रात्रि भोज देते हैं और भारत की याद में, भारत की पहचान के रूप में हम क्या देते हैं, तो प्रणब मुखर्जी ने कहा कि साहब ताजमहल दिया जाता है। तो मुझे नहीं पता कि मोदी साहब ने कहां कुरान शरीफ पढ़ा, लेकिन कुछ कुछ बातें उनकी बिल्कुल फिट है। उन्होंने कहा साहब ये भारत की पहचान कब से हो गई, भारत की तो ये पहचान नहीं है। उन्होंने कहा यही रस्म चल रही है। उन्होंने कहा बंद कर दे, बंद हो गया। फिर उन्होंने क्या फैसला लिया, ये महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपसे लोग इसलिए नहीं डर रहे हैं कि सरकार में कोई एक बैठ गया है। मैं फिर कह रहा हूं सरकार आएगी जाएगी। लोग इसलिए डर रहे हैं कि आप 5000 साल पुरानी पहचान को पहचान गए हैं। और उसने क्या कहा, वही लोगों को बुलाया, कहा कि दुनिया के बेहतरीन कागज के ऊपर बेहतरीन कवर बनके अब सिर्फ गीता छपेगी और गीता को दिया जाएगा भारत की पहचान। अब उसका आप दूसरा रूप देखें कि यह सिलसिला 4 साल से चल रहा है। देश के करीब करीब 70 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के कमरे में गीता रखी हुई है। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी बात को फिर आगे बढ़ने दीजिए। कहते हैं ना कि आपके घर में अगर किसी बहादुर की तस्वीर टंगी होती है तो वो लगातार आपको इंस्पायर करती है। आपकी मां अगर आपसे ये रोज कहे कि मेरा बच्चा बहादुर है, मेरा बच्चा शेर है, तो उस बच्चे में एक खास किस्म की चेतना जगती है। ये अनकॉन्शियसली साइकोलॉजिकली उसकी साइकोलॉजी पे असर पड़ता है। 70 देशों में, जिन राज्य देशों में गीता रखी हुई है, उसका असर यह हो रहा है कि जब आपके यहां, क्योंकि हमारे यहां तो आदत है किताब मिल जाए कहीं से तो लोग लाके ड्राइंग रूम में सजाने के लिए रखते हैं, लेकिन विदेशी लोग थोड़ा समझदार होते हैं, वो पढ़ते हैं उसको, और अगर नहीं समझ में आती तो एक्सपर्ट्स को बुला के पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने पढ़ी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी, कुछ लोगों ने सुनी। तो आपके देश में पुलवामा हो गया,
40 बहादुर सैनिकों को भारत के गद्दार आतंकवादियों ने, जो कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादी हैं, उन्होंने मार दिया। उसकी प्लानिंग जरूर पड़ोस में हुई थी, लेकिन मारने वाला कश्मीरी मुसलमान था। उसका फर्क क्या हुआ कि भारत ने पूछा नहीं किसी को, न सवाल पूछा न जवाब दिया किसी को, सिर्फ यही खास समय आने पे सही जवाब देंगे। उनको आदत पड़ चुकी थी पिछले 40 साल से, भारत पे हमला करो, इससे पहले कि भारत कोई जवाब दे, भारत को बैकफुट पे कर दो, और एक लॉबी इस देश में पहले से तैयार बैठी होती है, वो भारत के लोगों को ही सवाल पूछना शुरू कर देती है। इस बार वो लॉबी इंतजार कर रही थी कि भारत सरकार कब डोजियर देने वाली है, और लगातार डोजियर का इंतजार कर रही थी। और वो जो क्रिकेट खेलते खेलते बने हैं वहां, जिन्हें ISI किसी कारण से लाई है, उनको भी गलतफहमी हो गई कि यहां डोजियर आने वाला है। ये अलग बात है कि मात्र 12 दिन में आपने डोजियर नहीं भेजा, सीधे तौर पर डोज दे दी। और जब आपने डोज दी तो क्या हुआ, दुनिया के किसी मुल्क ने यह नहीं कहा, एक मुल्क ने आपसे यह सवाल नहीं किया, हिम्मत नहीं उसकी, उनके जो सबसे घनिष्ठ मित्र है उनका भी सवाल नहीं आया कि भाई ये तो आपने गलत कर दिया। बल्कि ये कहा कि शाम को जो ब्रह्मोस लगाई गई थी, इससे पहले कि इसका बटन दबे, अभिनंदन को वापस भेज दो, हम नहीं बचा पाएंगे। तो ये नहीं पता आपको, भारत सरकार ने पहली बार अपनी सारी मिसाइल ऑन कर दी थी। जो बातें पब्लिक डोमेन में है वही पता है आपको। US ने फोन करके कहा इमीडिएटली, कोई अगर मगर मत करना, कोई पता नहीं है, जो ब्रह्मोस है वो वहां से पार करते हुए अफगानिस्तान तक जाती है। अब उन्होंने भेज दिया, फौरन आया और इंश्योर किया कि जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की सबसे बहादुर महिला थी उसके साथ भेजा। तो हमारे यहां नए लोगों को लगा रही है क्या बात होगी भाई, ये तो कुछ गड़बड़ होगा। तो फौरन हमारे यहां के लोगों ने कहा इमरान खान का क्या जेस्चर है, इसको उसे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो हमारे यहां लोग नोबेल प्राइज दिलवा रहे थे, अब तो ना उसको नोबेल प्राइज मिला, और उसको ये और कह दिया गया है कि दोबारा करोगे तो जो 90 किलोमीटर की दूरी थी रावलपिंडी से वो कम हो जाएगी इस बार। तो आपके एक जेस्चर से इसको आप स्पिरिचुअली भी ले सकते हैं, पॉलिटिकली भी ले सकते हैं, डिप्लोमेटिकली भी ले सकते हैं, कि जब आपकी सोच बदलती है, जब आप अपनी चीजों पे गर्व करते हैं और अपनी कुंठा से बाहर आ जाते हैं, तो दुनिया आपको सलाम करती है। कहां तो हमारे रेजोल्यूशन को उठा के बाहर फेंक दिया जाता था यूएनओ में, हम थे क्या उनकी निगाह में, बौने लोग थे हम उनकी निगाह में, क्योंकि हमने बौनों को भेजा था। ऐसे ही नहीं, पूरी दुनिया ने खड़े होकर के कहा योग को हम पास करते हैं और योग डे मनने लगा, अभी बहुत से डे मनने वाले हैं। इसी सोच को बरकरार रखिएगा, एक जरा सा आपका फैसला पूरे देश की साइट बदल देता है। इसी दरमियान, इसी इलेक्शन के दरमियान एक दूसरा पुलवामा हो गया, कि जो चाइना लगातार कह रहा था ना कि नहीं अजहर मसूद को हम नहीं देंगे, उस बीच इलेक्शन में अजहर मसूद को उन्होंने कहा कि यह आतंकवादी है, अंतरराष्ट्रीय है, और हमारी भी इसमें सहमति है। आप दिवालियापन देखिए देश का। चाइना जो पिछले 10 साल से लगातार उस पर वीटो करता था, जब चाइना ने यह कहा कि अजहर मसूद एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी है, हम भी मानते हैं, तो भारत में लोगों ने क्या कहना शुरू करा। भागर में लोगों ने कुछ यकायक लगा कि देखिए ये जो है ये बहुत गलत किया है, एक मुख्यमंत्री जैसे यहां के अकलमंदे में ऐसी पड़ोस के भी एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा ये कितनी गलत बात है, मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। अब उसके दिवालियेपन का क्या कहा जाए कि चाइना भी मोदी को फायदा पहुंचा रहा था, अमेरिका भी पहुंचा रहा था, पुतिन भी पहुंचा रहा था, तो फिर क्या करना चाहते हो भाई, फिर मान लो कि वो लीडर है ना, फिर किसकी इंतजार कर रहे हो भाई। तो तुम्हें ऐसे लीडर पे गर्व नहीं है,
क्योंकि तुम चाइना के पास नहीं जा सकते थे मदद लेने के लिए, पाकिस्तान के पास गए थे, पाकिस्तान ने तुम्हारी मदद क्या की, बल्कि उल्टा ऐसा काम कर दिया उसने। तो ये तो 353 पे पहुंच गए, उसकी स्थिति 3 जैसी कर दी है। और तो और क्या किया उसने कि हमेशा हमारे यहां कहा जाता है हमारे यहां ये नहीं है वो नहीं है। दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दे दिया अमेरिका ने। वो इतना महान आदमी था कि उसे वो कंडक्टर बस की तरह चला रहा था, और F-16 दिया और बेचारे ने जाके ऐसा उसको गिरा दिया कि अमेरिका की पूरी मार्केटिंग बंद कर दी। वो कह रहे भाई साहब पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, तुमको हमने क्या दिया, तुमने इसे गिरा भी दिया और हमारी दुकान भी बंद करा दी। और उनसे कह रहे कि तुम दोबारा मत कहना कि हमने F-16 इस्तेमाल किया था। इसलिए हथियार क्या होता है यह महत्वपूर्ण नहीं होता, इट इज इंपॉर्टेंट हु इज बिहाइंड द वेपन। इसलिए आपने 50 के दशक का 60 के दशक के एक हेलीकॉप्टर से आपने उसको इतनी दूर तक भगाया, जिसे MiG-21 कहते हैं, जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो पूरी दुनिया में सब कुछ साफ साफ हो रहा है, ट्रंप साहब को नजर आ रहा है, चाइना को नजर आ रहा है, अमेरिका को नजर आ रहा है, फ्रांस में नजर आ रहा है, पूरे यूरोप में नजर आ रहा है। यह सिर्फ भारत के अंदर ही एक गिल्ट कॉन्शियस है। भारत के अंदर सिख आतंकवाद का नाम पता चल जाता है, सिख आतंकवाद है, 3 लोगों को पकड़ने से पता चलता है हिंदू आतंकवाद है। लेकिन यह देश सरकारों की मजबूरियां, मैं जानता हूं संवैधानिक पद पर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन इस समाज को किसने रोका है यह कहने से कि हमारे भारत के अंदर इस्लामिक आतंकवाद पूरे चरम पर फल रहा है, फूल रहा है, और सरकारें उसको अलग अलग तरीके से दबाती हैं और पार्टियां उसको अलग अलग तरीके से मदद करती हैं। जुडिशरी भी उसमें शामिल है, इस देश के इंस्टीट्यूशन भी उसमें हिस्सा हैं। इसलिए इस देश को डरा दिया है, इस्लामिक आतंकवाद का नाम लोगे तो पता नहीं कहर ढा जाएंगे, लेकिन हिंदू आतंकवाद जो इस देश में 100% 90 करोड़ लोग हैं उनके बारे में गाली देने में लोगों को छूटे के गाली दे सकते हो, क्योंकि ये बोलते नहीं है। वो क्या हो रहा है, आप 23 तारीख की घटना के बाद से आज तक की घटना को याद कर लीजिएगा और अगले 2-3 महीने तक याद रखिएगा। ये घटनाएं ऐसे ही नहीं घट रही हैं। सूरत में आग लग गई, उत्तर प्रदेश में 14 लोग मर गए हैं, किसी एक आदमी को मेरठ में इसलिए पीटा जा रहा है कि रमजान के दरमियान में उसने दुकान खोल ली थी। अभी बड़ी सारी ताकतें इसमें काम करने में लगी हुई हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में आर्टिकल आने वाले हैं, ये सब होगा अगले 6 महीने के अंदर, क्योंकि पहले से तय हो चुका है। और कमाल की बात देखिए, हमारा देश भी कमाल का है। टाइम्स नाम की एक मैगजीन आप सबने देखी होगी, उसकी एक आखिरी अभी एडिशन आया है, उस पर लिखा द चीफ ऑफ डिवाइडिंग इंडिया नरेंद्र मोदी। आप में से किसी को पता है वो किसने लिखा है, किस आदमी ने लिखा है, उसकी क्या बैकग्राउंड है? लेकिन हमारे पूरे देश ने उस टाइम मैगजीन को ऐसा ऐसा लगा कि यही कुरान शरीफ है, बस अब तो इसी को सच मानना है। शाम को मैंने कुछ लोगों को बताया, भाई कि जिस शख्स ने लिखा है उसकी मां हिंदुस्तानी है, तो लोग बोले आप नई थ्योरी लाते हैं। मैंने कहा मैं नहीं लाता, आप पढ़ते नहीं, आपको पता ही नहीं है। जिस शख्स ने लिखा है उसका नाम है आतिश, क्या नाम है, आतिश तासीर, सलमान तासीर, पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर थे। उनकी शादी हिंदुस्तान में एक मोहतरमा से हुई थी, जो जर्नलिस्ट है जिनका नाम है तवलीन सिंह, वो तवलीन सिंह का बेटा है, अपने बाप से बेपनाह नफरत करता था, और ये वही शख्स है जिनका कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि वो ये बात कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान में एक कानून बना हुआ है, हुदूद कानून कहते हैं उसको, ब्लास्फेमी का कानून है, उसके तहत एक 14-15 साल की लड़की को इस्लाम की तौहीन करने,
मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने के लिए जेल हो गई, जो झूठ में फंसाई गई थी। वो ये कह रहा था कि ये हदूद कानून गलत है, इसको छोड़ दिया जाए। उनके अपने बॉडीगार्ड ने इस्लामाबाद में सबसे महंगे बाजार में उतरा और उसने 16 गोलियों से उनको मार दिया। और जब वो जिंदा थे उस वक्त में पाकिस्तान में था, ये कहा गया कि सलमान तासीर इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंटशिप। हर अखबार ने, जो बड़ा मॉडर्न लगता है आपको, यहां बैठ के पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है बहुत लोगों को, जरा मुर्दे से पूछो कब्र का हाल क्या है। कहा यह गया कि हम इस पे यकीन नहीं कर सकते हैं, हम इस आदमी पे इसलिए यकीन नहीं कर सकते हैं कि इसकी पहली घरवाली एक हिंदू थी और हिंदुस्तानी है और आज भी जिंदा है, कहीं ये गद्दारी ना करते हैं। और आप कितने भोले हैं, आप इतने भोले हैं कि आपके यहां तो एक महिला ने 10 साल तक राज चलाया और क्या क्या नहीं किया, इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव को दिल्ली में दफनाया नहीं गया क्योंकि उस खानदान को उसने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि एक शंकराचार्य घर वापसी का बड़ा काम कर रहे थे, उनको रेप के केस में दबाव डाल के फंसाया गया, उन पे केस चलता रहा। एक असीमानंद नाम का आदमी था जो समझौता के अंदर फंसाया गया, उसकी भी बैकग्राउंड कन्वर्जन में थी, वो लगातार आदिवासियों में काम कर रहा था। ये किसके इशारे पे हो रहा था कि ऐसे ही लोगों को फंसाया जाएगा। लोग पूछते हैं जस्टिस लोया के बारे में, कोई ये नहीं पूछता है जोगी की बेटी को किसने मारा। सवाल मेरे सख्त हैं, जवाब नहीं कोई दे पाएगा। योगी की बेटी को किसने कत्ल किया, क्यों किया, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एक अजीब ताज्जुब है इस देश में, एक महिला बाहर से यहां आती है, देवर मर जाता है, आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। सास मर जाती है, कहीं नजर नहीं आती। शौहर के साथ 180 सभाओं में साथ रहती है, वो 181 में साथ नहीं थी, उसी में वो श्री पेरेंबदूर में शहीद हो गए। ये सवाल नहीं पूछा किसी ने। हम इतने भोले लोग ऐसे तो कर ही नहीं सकते। एक सीबीआई के डायरेक्टर ने किताब लिख दी, वो किताब पूरे मार्केट से रातों रात गायब कर दी गई। और वही महिला अपनी बेटी की जिससे शादी करती है, उसका बाप एक छोटे से होटल में मरा पाया जाता है, उसका भाई सुसाइड कर लेता है, उसकी बहन एक्सीडेंट में मारी जाती है, ये कोई पूछता नहीं है ये कैसे हो रहा है। और ये अजीब बात है कि उसी पार्टी के दो महान लीडर, उनसे लोगों का राजनीतिक इतलाफ हो सकता है, एक आदमी हमारे 5 पत्रकार साथियों के साथ हवा में जहाज, जिसका कि वन ऑफ द बेस्ट हेलीकॉप्टर था, हवा में उड़ जाता है, वो भी मर जाता है। एक जमीन पे चलते हुए राजस्थान जाता है जयपुर में, उससे पहले मर जाता है। दोनों इस देश में प्राइम मिनिस्टर के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी में, उनकी मौत के बारे में नहीं कोई आज तक रिपोर्ट आई। एक का नाम माधव सिंधिया था, दूसरे का नाम राजेश पायलट था। लोहिया के बारे में तो बहुत लोग जानना चाहते हैं, लोहिया की मौत कैसे हुई, तो सिलसिला मैं ये कह रहा हूं थमेगा नहीं। ये अलग बात है कि कुछ प्रकृति की देन है, कुछ इस देश के लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि जो कुछ और होने जा रहा था उसकी भी तैयारी बहुत थी। ऐसे ही एक बिल था जो आया नहीं और इतना डर गए आपसे 2019 में, इतना डर गए कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लाने की कोशिश नहीं की। जिस बिल को वो लोकसभा में लाना चाहते थे, कम्युनल वायलेंस बिल, उसको पढ़ लीजिएगा, अवेलेबल है नेट पे, आज की जनरेशन जरूर पढ़े। इस देश में शरिया लगाने की जरूरत नहीं थी, शरिया नाफिज करी जा रही थी, लेकिन ये शरिया हिंदुओं के लिए थी। इसलिए आर्टिकल 35 एक किन कारणों से दिया गया, नेहरू जी ने किस दबाव में दिया गया कि एक राष्ट्रपति मात्र का आदेश जो है आपने संविधान में जोड़ दिया 14 मई 1954 को, और उसको आपने धारा बना दी,
और कभी भी भारत की संसद के किसी सदन में उस पर एक मिनट की भी चर्चा नहीं हुई। और झूठ और मक्कारी आपने यहां तक नहीं की, आपने क्या किया कि आपने संविधान जो 26 जनवरी 1950 में बना, आपने 1954 में उसमें इंसर्ट किया और आपने 5 एडिशन से गायब कर दिया, फिर अगले 2 एडिशन में मौजूद है, फिर 4 में मौजूद है। यह सिलसिला ऐसे नहीं हुआ, जानबूझ के किया गया कि फ्रॉड कितना बड़ा था वो। यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर राज्य के लिए था, यह तथाकथित राष्ट्रपति का आदेश जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को इस बात का ताकत देती है कि जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार यह तय करे कि वो अपने राज्य की नागरिकता किसे देगी या किसे नहीं देगी। क्योंकि भारत में रहने वाले किसी आदमी को किसी राज्य में किसी कोने में, जो कि आर्टिकल 360 या 368 ये कहता है कि जो इस देश में पैदा हुआ है वो कहीं भी रह सकता है, कहीं भी कारोबार कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आर्टिकल 35 ए उसी आर्टिकल को आपके पूरे देश में बसने को रोकता है और जम्मू कश्मीर राज्य को भारत से अलग करता है कि आप जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं रह सकते जब तक वहां की सरकार आपको नागरिकता न दे। वहां न रह सकते हैं, न जमीन खरीद सकते हैं, न कारोबार कर सकते हैं, न चुनाव लड़ सकते हैं, न वोट डाल सकते हैं। और वहां की लड़की शादी कर ले हिंदुस्तान के किसी आदमी से तो उसके प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाते हैं। लेकिन वही लड़की पाकिस्तान ऑक्युपाइड के लड़के से शादी कर ले तो उस लड़के को आप नागरिकता दे देते हैं। भारत में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर कश्मीर पहला इस्लामिक स्टेट है जहां शरिया नहीं है। शरिया 2007 में जो कांग्रेस पार्टी के महान लीडर हैं उन्होंने नाफिस करने के लिए कुछ शरिया लागू की थी, गुलाम नबी आजाद साहब ने। और वहां जब एक प्रस्ताव लाया गया, ये सब विधानसभा की प्रोसीडिंग बता रहा हूं मैं आपको, कि हमको भी इस संविधान में सब सेकुलर लाना चाहिए और उस सेकुलरिज्म को अपनाना चाहिए। कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसने इसकी मुखालफत न की हो। तो जिन लोगों को जम्मू कश्मीर में शरिया चाहिए उन्हें दिल्ली में आके सेकुलरिज्म चाहिए, क्योंकि ये सेकुलरिज्म का बुखार 1976 में मैडम इंदिरा गांधी को आया वो किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत आया। और तमाम सारे लोग जो संघ के हैं, मैं उनसे और कहना चाहता हूं, आप अपने युवाओं को बताइए आपका नाम देकर लेकर के, आपको बैकफुट पे करके, संघ का नाम लेकर के, नाथूराम गोडसे का नाम लेकर के, ये बार बार कहा जाता है कि ये वो लोग हैं कि जो संविधान को बदलने वाले लोग हैं, ये तो संविधान को बदल देंगे, ये पलट देंगे, ये बाबा साहब के अंबेडकर को बदल देंगे। जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने भारत के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें तब्दीली हो ही नहीं सकती, उसके नीचे लिखा है कि ये एटर्नल है, इसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना कुछ हटाया जा सकता है। उसमें आपने मूल भावना जो है, जो प्रीएम्बल है, उसमें आपने 1976 में रात में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जोड़ा था। क्या ये देश उससे पहले सेकुलर नहीं था? क्या उससे जोड़ने के बाद देश सेकुलर हो गया? तो जिन लोगों ने 100 से ज्यादा अमेंडमेंट किए हो और भारत के संविधान की मूल भावना के अंदर आपने तोड़ दिया हो, वो लोग आप पे आरोप लगाते हैं और आप डरने लगते हैं, आप कहते हैं देखो देखो देखो, इसलिए अपोलोजिस्टिक मत होइए। जैसे ही कुछ पार्टियां ये उठाती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, ये देखो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं मुसलमान। भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन लाया था? आरएसएस बीजेपी संघ के लोग तो नहीं लाए थे। लेकिन हर उस बात पे जिसमें आपका वोट बैंक जो आपने बना रखा है और उस वोट बैंक के चलते आपने क्या किया कि 1985 में एक औरत पड़ोस के राज की 70 साल की उम्र में 24 साल से दुनिया की हर दीवार में सर मारती रही। वो हर मुफ्ती के पास गई, हर मस्जिद गई, मदरसे गई, किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसने कहा मुझे तलाक दिला दो, मैं 24 साल से अकेली रह रही हूं, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे गुजारे भत्ते के लिए भी कुछ नहीं देता है। सबसे कहा, देवबंद भी गई, बरेलवी भी गई, अहले हदीस भी गई, कोई सुना नहीं उसकी बात। उसको कुछ लोगों ने समझाया कि अब एक और है वहां चले जाओ, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आप भारत के संविधान के तहत भारत की आईन और भारत की अदलिया में आई हैं, आपके साथ इंसाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, उसके हक में फैसला दे दिया।
लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इस देश के अंदर कैसे कैसे आपने काम किए हैं। उसको आपने जो फैसला दिया, इस देश में मुसलमानों ने वो दबाव बनाया सरकार के ऊपर, वो दंगों की धमकी दी आपको और ये कहा कि आप कुरान शरीफ में दखल दे रहे हैं, हमारी शरिया में, हमारी हदीस में दखल दे रहे हैं। और देश का आधुनिक प्रधानमंत्री 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर के भी उस वो झुक गया और संसद में कानून लाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया, उस औरत को इंसाफ नहीं देने दिया। ये सेकुलर और मॉडर्न लोगों की बात है और जो दकिया ने सुहाया है, हिंदूवादी है, नेहाय छोटी सोच है उसकी, चाय बेचने वाला है, आतंकवादी है, मुसलमानों का कातिल है, उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे, मैं 3 बार अध्यादेश ला करके, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ये जो गैर इस्लामिक हलाला निकाह कर रहे हो इसको बंद करके रहूंगा मैं, ये फर्क है। इसलिए लोगों को संकट लग रहा है कि जो सेकुलरिज्म के नाम पे हमने फ्रॉड फैलाया हुआ था वो धीरे धीरे मिथ टूट रहा है। तो जो वोट देने वाले थे वो तो ठीक है, इस बार तो झगड़ा ये था कि मौलवी साहब खुद वोट देने नहीं जा रहे थे, उनको क्यों नहीं जा रहे कि मैं जाऊंगा तो ये मेरी बीवी जो है मोदी को वोट दे आएगी, इसलिए उसको खुद भी वोट देने नहीं गए बेचारे। तो संकट यहां तक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नजरियाती तौर पे आप जिसका भी विरोध करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी पार्टी में रहें, किसी विचारधारा में रहें, सिर्फ एक ही काम करें, जो बुजुर्ग हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, छोटे छोटे टुकड़ों में 21 साल 18 साल के बच्चे को सच बता दीजिए, बस उससे कुछ मत कहिए। मैं ये मानता हूं, लोग कहते हैं कि आज की जनरेशन जो है वो पिज्जा और बर्गर खाती घूमती है, उनको कोई मतलब नहीं है, इनको देश से मतलब नहीं है, मेरा जाति एक्सपीरियंस कहता हूं मैं अपना, जितना वो राष्ट्रवादी है उतना कोई है ही नहीं। आप उसको सही तरह बताना नहीं चाहते क्योंकि आप क्या करते हैं, माफ कीजिएगा मेरी बात से हट मत होइएगा, हम 1 घंटे अपने ज्ञानी होने का पहले से लेक्चर देते हैं। जमाने ये होता था, तुम क्या जानते हो बेवकूफ कहीं के, हम पहले तो उसको इतना डांट के जलील कर देते हैं कि उसको लगता है यार इसके बाद सुनने लायक कुछ रहा ही नहीं है, और हमें अपना ज्ञान उसको देने की अपने तरीके से आदत हो गई है। हम उस युवा को जिस तरीके से वो ज्ञान लेना चाहता है वो नहीं देना चाहते, और उसका फर्क देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक ही आदमी क्यों कनेक्ट कर पाया कि उस 64 साल के आदमी को वो समझते हमारा दोस्त है, इसलिए कि उसको आधुनिक युग के जितने भी कम्युनिकेशन के मींस हैं उससे मोदी खेलते हैं उंगलियों पे, इसलिए मोदी को पता रहता है जब भाषण देते क्यों भैया पब भी खेल लेते क्या, तो लोग हंस लेते, इसको पता ही बात। तो उम्र का मामला नहीं है, आप उनकी भाषा में अपनी बात कहते हैं जो आप कहना चाहते हैं, जो मैं भी कह रहा हूं। ये बैठे हमारे साथी ओम जी, ये दिन भर कंप्यूटर पर देखते रहते हैं किस एज के बच्चे आपको सुनते हैं, क्या सुनते हैं, कितना सुनते हैं, 18 साल से 21 साल के बच्चे सबसे ज्यादा मुझे सुनते हैं, सबसे ज्यादा उनकी क्वेरीज आती हैं, कुछ कहते हैं हम क्या करें, मैंने कहा अभी सच को सच समझ लो बस। और क्या रेस्पॉन्स है उनका, उन्हीं के कारण मैं यहां खड़ा हुआ हूं, अगर मेरी बात कोई नहीं सुनता तो मैं नहीं आता, ना मुझे आप बुलाते। तो मेरी बुजुर्गों से दरखास्त है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो अच्छी बात है, उससे खुश जरूर हो, आपके बहुत एक्सपीरियंस है, आपको खूब खुश हो, लेकिन बच्चे को सिर्फ उतनी बात कहें जितनी उसकी जरूरत की है। ये जो एडजेक्टिव लगा लगा के आप बात करते हैं उससे वो डर जाता है, ये ना लगाया। और हिंदू महिलाओं से मेरी एक खास निवेदन है, मैं हर जगह करता हूं ये, आपने बहुत सोना पहना है, सोना आपके लिए बड़ा प्रिय है, अब सोने की जिद मत कीजिए, अब आप थोड़ा लोहा पहनना शुरू कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप अपनी जान अपने लिए खतरे में डालती हैं, इस देश में खुलेआम लुटेरे घूम रहे हैं,
आप सोना पहन के जाएंगी, अपनी जान क्यों खतरे में डालना चाहती हैं? आप लोहा पहनेंगी तो उसको पता है कि अगर थप्पड़ भी मारा तो लोहे समत लगेगा। एक चीज के कई डायमेंशंस होते हैं। अपने बच्चों से बात करें, जो मेरी मां है यहां पर, वो माएं अपनी बेटियों से बात करें। ये सब बात मुझे सार्वजनिक मन से इसलिए कहनी पड़ रही है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अपनी बेटियों से बात करें, उनके मन की चीजों को समझने की कोशिश करें। समाज में जो बदलाव आ रहा है उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करें। आप दोस्त बनाएंगे नहीं, पिताजी को फुर्सत नहीं है, भाई गर्लफ्रेंड के साथ गया है, तो ये बहन भी किसी की फ्रेंड हो जाएगी, फिर क्या करोगे? उसकी उस कॉम्प्लेक्स जो बदले हालात हैं उसमें उसके साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, उसको समझाइए, रोकिए मत। ये डंडे की तरह बात करना बंद कर दीजिए। इस देश में जो एक खेल चल रहा है लंबा, ये कलावा बांध के कुछ लड़के लड़कियों के हॉस्टल के बाहर घूमते हैं, और जो जकात का पैसा आता है, जकात समझते हैं आप लोग? इस्लाम में 5 चीजें हैं जिन्हें करने से आप मुसलमान कहलाते हैं, रोजा, नमाज, जकात, हज और ईमान। ये 5 चीजें जिसके पास होंगी वो मुसलमान होगा। और मुसलमान का मतलब ये नहीं कि आपने अपना नाम रहमत अली रख लिया तो आप मुसलमान हो गए। मुसलमान का मतलब है मुसल्लत ईमान। मुसल्लत ईमान का मतलब है कंप्लीट ईमान। ये नहीं होगा कि आप नमाज पढ़ रहे होंगे। नमाज पढ़ने में नियत बांधनी होती है कि हम नियत बांधनी पड़ती है। सबसे पहले दोनों हाथ जब आप ऐसे करते हैं तो नियत बांधनी पड़ती है, उसे नियत बांधना कहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप नियत बांध के खड़े रहें और फिर पीछे मुड़ के देखें चप्पल कोई ले तो नहीं गया, 2-2 मिनट बाद देखें साइकिल तो नहीं कोई ले गया। वो नमाज नहीं हो सकती, वो मानी नहीं जाती नमाज। इसी तरीके से जकात जो है वो एक कंसेप्ट यह है कि जितना पैसा आप कमाते हैं उसका 10% पैसा आपको गरीब को देना है। आप तय करना, इतनी भुखमरी, इतनी गरीबी के बावजूद भी न पहनने को चप्पल है न तन पे कपड़ा है, 2 लाख लोगों का जुलूस निकलता है कलकत्ता की सड़कों पे और नारे लगाते हैं आर्यन वापस जाओ, रोहिंग्या हमारे भाई हैं। अब आप इस नारे को सुन के भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता, मैं उस सोच के बीच में पैदा हुआ हूं जिस जगह मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा गढ़ था, जहां के लोग जाकर के प्राइम मिनिस्टर बने, जहां का फाउंडर टू नेशन थ्योरी का जनक है, मैं वहीं पैदा हुआ हूं। बड़ा पानी पिया है मैंने उनका, बड़ी मैंने अजाने और रोजे रखे हैं। इसलिए आप इग्नोर कर सकते हैं कि कलकत्ता के अंदर 2 लाख लोगों का जुलूस निकल रहा है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, वो लोग नारे लगाते में कहते हैं आर्यन वापस जाओ, रोहिंग्या हमारे भाई हैं। न तो उनके बाप दादों को पता होगा ये आर्यन कौन है, ये नारा कहीं गड़ा गया है। और जब वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका पॉलिटिकल फायदा मालूम है क्या होता है? जैसे ही वो कहते हैं आर्यन वापस जाओ, इस देश में हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग को अपनी तरफ करते हैं, जिसका आजकल नया नारा है जय भीम और जय नीम। ये उस एजेंडे के तहत नारा लगा ताकि हम अपर कास्ट को आइसोलेट करें और नीचे लोगों को अपने जोड़ लें। और आपकी समस्या ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, जवाब नहीं दे सकते, आप अत्याचार सहन रहे हैं, 5 लाख लोगों को, 5 लाख हिंदुओं को इस देश में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसको कुछ लोग एक राज्य में थोड़े से ज्यादा हैं इसलिए मार के निकाल देते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ये वजह ये नहीं है, वजह ये है कि आप ये सोचना नहीं चाहते हैं कि बंगाल में हुआ है तो क्या फर्क पड़ रहा है। अरे यही बात 1935 में लाहौर में लोग कहा करते थे, यही बात कहा करते थे,
ऐसा कैसी बात कर रहे हो यार, हम तो सदियों से साथ साथ रह रहे हैं, ऐसा कैसे सोच लिया तुम? तुम कम नल हो, तुम हमें तोड़ना चाहते हो, हम हमें हमें आपस में बांटना चाहते हो। यही मैं सुनते सुनते बड़ा हो गया, कश्मीर बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। आपकी सत्ता तो अफगानिस्तान तक थी। आप बड़े खुश होकर नारा लगाते हो कि कुछ हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी। आज हिंदुस्तान में 500 कश्मीर बन चुके हैं, जरा बोल के तो देखिए। भारत सरकार का कानून नहीं चलता वहां, पुलिस नहीं जा सकती। ठोड़ियों में हाथ डाल करके आप कहते हैं कि भाई ऊपर से आदेश है, इधर नमाज मत पढ़ो। और नमाज के बारे में भी इस्लाम में, कुरान में जो फरमाया गया है वो भी मैं बता देता हूं आपको। कोई भी जगह दुनिया की, वो आपका घर हो, किसी का घर हो, अगर नमाज जहां कोई पढ़ रहा हो, पहली बात तो बता दूं कि नमाज का मतलब क्या है। नमाज का क्या मतलब है? नमाज संस्कृत का शब्द है भाई, यह आपकी संस्कृति ने दिया है, जिसका मतलब हो जाता है किसी के सामने अपने आप को झुका देना, नमन करना। पूरी दुनिया में नमाज नहीं बोली जाती है, पूरी दुनिया में बोला जाता है सलाह। कोई अरब में 57 देशों में जाइए, वहां कोई नहीं कहता हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। यह आपकी संस्कृति का हिस्सा था, इसलिए आपके यहां नमाज शब्द बोला जाता है, नमन करना। पूरी दुनिया में सलाह बोलते हैं, और उसके लिए यह कहा गया है, साफ साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह बात अलग है कि कुछ लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए कुरान शरीफ को भी जो है टेम्परिंग करते रहते हैं, कि अगर आप जहां नमाज पढ़ रहे हो और किसी को भी, किसी शख्स को भी, किसी छोटे से छोटे बच्चे को भी अगर आपके नमाज पढ़ने पे ऑब्जेक्शन है उस जगह के ऊपर, वो गलत है सही है ये बहस की बात बाद में होगी, लेकिन उसे ऑब्जेक्शन है और उसे पढ़ने से उसका दिल दुख रहा है, तो अल्लाह आपकी नमाज कबूल नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहां बाबरी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह खुश नहीं होगा। बाबरी मस्जिद जो है शहीद हो गई, बाबरी मस्जिद मस्जिद ही नहीं है, और बाबर के नाम की मस्जिद होगी। मैं ओपनली कहता हूं, अगर यह मस्जिद मोहम्मद साहब के नाम से कनेक्टेड होती, अगर इसकी कोई वैसी वैल्यू होती, तो हमने तो इस मुल्क में इतने लोगों को सब कुछ दे दिया, हम ये भी दे देते। लेकिन क्योंकि इस हिंदुस्तान की मेजोरिटी को 700 साल पहले जिन लोगों ने गुलाम बनाया था, उनके सामने ये हिंदू कम्युनिटी आज भी कुंठित रहे, आज भी इसको एहसास से कमतरी का शिकार रहे, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की शिकार रहे। इसलिए मस्जिद तो वही बनेगी, ये गैर इस्लामिक काम है। पूरी दुनिया में कोई नहीं बोल सकता, इनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन आपको डरा डरा कर इस देश के अंदर चौराहे चौराहे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले मस्जिदें और कब्रिस्तान बन रहे हैं। ये एजेंडा दूसरा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट, हार्डकोर लेफ्टिस्ट कुलदीप नैयर साहब की किताब पढ़ लीजिए, पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए थे, उन्होंने लिखा है कि भारत में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग, और पाकिस्तान में 100% लोग ये मानते हैं कि मुगलों की हुकूमत के बाद इस देश में अंग्रेज आया था, और अंग्रेजों के जाने के बाद ये हुकूमत मुसलमानों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन भारत के इलीट लोगों ने अंग्रेजों के साथ साजिश करके ये हुकूमत ले ली और हमें मार के भगा दिया। लिहाजा जब तक गजवाए हिंद नहीं हो जाएगा, तब तक इस दुनिया का मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। और जो लोग बार बार ये कहते ना, देखिए साहब हमारे मजहब में हुब्बुल वतनी की बात कही गई है, वतन से प्यार, वो निहायत ही बड़े मक्कार छोटे लोग हैं। कुरान मजीद में नेशन का कंसेप्ट ही नहीं है, मुल्क का कंसेप्ट ही नहीं है, उनके यहां नेशनहुड होता ही नहीं है, उनके यहां कंसेप्ट है उम्मा का। उम्मा का मतलब होता है कि अगर मुसलमान जमालपुर में रह रहा है और जयपुर में रह रहा है और मंगल ग्रह पर रह रहा है और अजरबैजान में रह रहा है, तो यहां के मुसलमान का पहला धर्म है कि अजरबैजान के मुसलमान के पैर में कांटा लग गया है तो उसके दर्द को महसूस करना। इस मुल्क में अगर कोई नॉन मुस्लिम रह रहा है तो उससे उसका कोई वास्ता नहीं है। इसलिए नेशन का कंसेप्ट नहीं है कि ये भारत है और भारत माता की जय और वंदे मातरम। हम गलत उम्मीद कर रहे हैं उनसे, वो इस मामले में कुछ हद तक कुरान पे सही मानते हैं और जो लिखा है वो बात आप माने या ना माने, लेकिन वो तो सही कह रहे हैं। लेकिन हम खामखा लगे हैं भारत माता की जय को, भारत माता की जय को, वो नहीं कहेंगे भाई।
और हर वो मुसलमान नहीं कहेगा जो किताब को मानता है। कुछ लोग झूठ मक्कारी में पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उनका बिलीफ नहीं है ना, वो तो अपने आप को अथीस बताते हैं कि हम तो अथीस हैं, उनके बोलने पे आप खुश हो जाते हैं। तो हम किससे बात कर रहे हैं, किससे हम गंगा जमुना तहजीब को 70 साल से भीख मांग रहे हैं, हम भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम कौन कौन से नारे गढ़ रहे हैं भाई, ये नारे आप अपने लिए गढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी जरूरत ही नहीं है, हमारा कोई मतलब ही नहीं इस बात से, जो 1400 साल पहले किताब आई है जो उसमें लिख दिया है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये दुनिया इधर से उधर हो जाए हम उनको बदलने पे लगे हुए हैं। जब तक कंप्यूटर नहीं दिया था तब तक पढ़ पढ़ के बम बना रहे थे, अब आपने कंप्यूटर दे दिया तो बटन दबा के बना रहे हैं, तो आपकी कोशिश है कि सुधर जाए। वो 1400 साल से इस पूरी सभ्यता ने एक सुई बना के दी हो सिविलाइजेशन को कि ये हमने इजाद किया 1400 साल में, कोई पूरी दुनिया में चैलेंज के साथ कोई ये कह दे कि 1400 साल पहले जो ये मजहब शुरू हुआ था उस मजहब ने इस सोसाइटी को, इस सिविलाइजेशन को ये कंट्रीब्यूट किया है। लिहाजा सरकार नई आई है, सरकार की प्रायोरिटीज हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार संविधान के प्रति कमिटेड है। कई बार संविधान को लेकर के चीजें वाजे तौर पे हुई हैं, मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूं कि जो संविधान में लिखा है आप उसी को पूरा कर दीजिए, उसी को पूरा कर दीजिए। ये संविधान बदलने बदलने की बात छोड़िए, मैं मालूम है इतना आसान नहीं है, लेकिन जो संविधान में लिखा है सरकारे आली आप सिर्फ उसको ही पूरा करते हैं, लेकिन उसी संविधान के कुछ टुकड़े हम बता रहे हैं उनको पूरा करते हैं। अब तो इस सरकार की जो पहले कुछ दिन पहले तक पार्टी की शक्ल में थी उसने कहा कि हम जैसे ही पावर में आएंगे आर्टिकल 35 को हटाएंगे, हम चाहते हैं आपने वादा किया है और संविधान में गलत तरीके से जोड़ा गया ये आप मानते हैं इसको करके देखते हैं, और इसके हटने से पुष्पेंद्र को, राकेश को, किसी को फायदा नहीं होने वाला, इस देश में आतंक का जो सोत्र है वो समाप्त हो जाएगा, आप कर दीजिए। इसी संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, वो बीजेपी के एजेंडे में हो, आरएसएस के एजेंडे में हो, हमसे से क्या मतलब है, संविधान में है ना, आप संविधान को लागू करना चाहते हैं तो कहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, किसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा आप लाइए। जो जो संविधान के साथ आपने करा है आप उन मुद्दों को लाइए, जो लिखा है वो ले आइए, उसके बाद कोई हम डिमांड करेंगे। आप घर बनाते हैं, जब तक आप घर देते हैं तब तक दो और क्लेमेंट उसी घर में हो जाते हैं, ये बात अलग है कि वो गोद में होते हैं बच्चे उस वक्त, उनको फिर 2024 में मकान देना है आपको। तो इस देश की गरीबी इन कारणों से नहीं समाप्त हो सकती कि आप गैस दे रहे हैं, ये एक जेस्चर तो हो सकता है, एक कोशिश तो हो सकती है, लेकिन जो देश हर साल एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर की पॉपुलेशन इस देश में बढ़ जाती हो उनको आप कहां तक एडजस्ट करेंगे भाई, और क्वालिटी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही इस देश में, क्वालिटी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, ऐसी अंधी भीड़ बढ़ रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह की देन है, दो पंचर लगा रहे हैं दो जोड़ रहे हैं, अब उनको आपको घर भी देना है फिर उनको गैस भी देनी है। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस देश में आप चाहे देर से करें, चाहे सवेर करें, चाहे जल्दी करें, मैं आपके इस मंच से आज के दिन में मैं भारत सरकार से मैं ये कहना चाहता हूं कोई काम आप करें या न करें, क्योंकि मेरे लिए देश बड़ा है उससे ज्यादा मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आप इस देश में कानून बनाएं और सख्ती से उसको नाफिस करें, इंप्लीमेंट करें कि जिसके भी दो बच्चे से ज्यादा होंगे उसका वोटिंग राइट समाप्त हो जाएगा, उसको इस देश की कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वो किसी धर्म का है जात का है ये विषय नहीं है मेरा। अगर ये पॉपुलेशन नहीं रुकी तो ये भीड़ तंत्र आपके घर में घुस जाएगा, ये बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो आप लेके घूम रहे हैं ये पुलिस नहीं बचाएगी, ये आर्मी नहीं बचा सकती है कि जिन्हें मरने से डर नहीं लगता, और ऐसा नहीं कि आपको मरने का डर नहीं है आप अवॉइड करते हैं। ये जो लोग इसी जयपुर के अंदर
जब एक जुलूस निकला रोहिंग्या मुसलमानों के फेवर में, आप सबको ज्यादा याद होगा मैं दिल्ली में था, इसी जयपुर के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जुलूस निकला, लाठी चार्ज हुआ, जयपुर का मेन थाना आग लगा दी गई। किन लोगों ने लगाई? जिनके बाप दादों का कोई खून का रिश्ता नहीं था बर्मा के मुसलमानों से, वो इस देश में उन्हें बसाना चाहते हैं। खुद तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम तो हमारे 11 और बाहर से और ले आए हैं, तो 5 करोड़ पहले बांग्लादेशी आए थे, अब ये आ गए हैं। लेकिन अब आ गए हैं तो पानी भी पिएंगे, ऑक्सीजन भी लेंगे। लेकिन मैंने कभी इस देश में कोई ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं देखा कुछ लोगों का कि इस देश में गंगा गंदी हो गई है। अल्लाह मियां ने कहा है, ये कुरान का आयत है, कि जो गंदगी है उसको साफ रखना ने ये बनाया, क्योंकि हमको बांटना था पैसा, क्योंकि कहीं ना कहीं दुकान चलती रहनी चाहिए थी। तो अब यह कहा गया कि माइनॉरिटीज का दर्जा जो है स्टेट लेवल पे तो हो सकता है, राष्ट्रीय लेवल पे नहीं हो सकता। लेकिन इस फ्रॉड के चलते क्या हुआ, कमाल की बातें, आपको हंसी आएगी। और मुझे इसलिए हंसी आती है कि क्या इतनी आसान बातें भी इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को जो सरकारें चला रहे हैं, या तो पता है इसलिए खामोश हैं, या बोलना नहीं चाहते। कश्मीर देश का पहला एक राज्य है जिसकी टोटल पॉपुलेशन में से 70% मुसलमान है, 70% मुसलमान है उस राज्य में। हमारे साथी ने जब यह पूछा कि यहां बाकी 30% में डोगरा हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, ये माइनॉरिटी हैं, इनको माइनॉरिटी कमीशन से क्या इमदाद मिल सकती है, इनकी क्या मदद हो सकती है, वैसे ही जैसे जहां जहां मुसलमान माइनॉरिटीज में हैं उनको पैसा मिलता है, और इस देश में तो एक मंत्रालय बना हुआ है माइनॉरिटीज का। तो आपको यकीन मानिए, हमारी साथी की PIL के ऊपर जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने मालूम है क्या कहा, कि यहां तो मुसलमान माइनॉरिटीज में है। तो ये पूछा गया कि ये समझ नहीं आया बात, ये है 70% ही कह रहे हैं माइनॉरिटीज। उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान माइनॉरिटीज में है, तो कश्मीर में भी 70% मुसलमान माइनॉरिटीज में है, और लक्षद्वीप में 96% मुसलमान है, वो भी कहते हैं हम माइनॉरिटी में है। अब इस बात के लिए हमारे किसी एक साथी को 2018 का इंतजार था क्या? अरे हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो रिटायर होकर के आते हैं, क्या उन्होंने भी कभी ये बात नहीं उठाई? कभी किसी जज ने नहीं उठाई, कभी किसी वकील ने नहीं उठाई कि ये चल रहा है और कंप्लीट फ्रॉड चल रहा है। अब एक छोटा सी अर्जी चली गई तो सुप्रीम कोर्ट, जिसको जो है दही हांडी की लंबाई की बहुत चिंता रहती है, उसने क्यों नहीं उठाई थी ये बात? कुछ एक आध मामला सुमोटो की सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था, उन्होंने सुमोटो क्यों नहीं लिया? इसलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी सेलेक्टिव है और पार्टी है, उस पर भी नोटिफिकेशन हो गया है, और अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नोटिफिकेशन ही होगा। मेरा कहना यह है, हमारे पास ताकत बहुत कम है, हम लोग बहुत कम हैं। हमने एक मुद्दा उठाया था 14 को, हम 3 थे इस लड़ाई में, एक साथी चला गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कम से कम अपने शहर में, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो मुद्दे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको उठाइए, चर्चा में लाइए, डिस्कशन में लाइए, बातचीत होनी चाहिए। उस पर क्या होता है नहीं होता एक अलग बात है, लेकिन वो चर्चा में तो आए हैं, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं, जब आप चर्चा में लाते हैं, तभी लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये ध्यान रखिएगा, उन्हें प्रॉब्लम इस देश की प्रोग्रेस से है, उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि आप मंगल पे पहुंच गए, आपने इतने सैटेलाइट छोड़ दिए, उनके यहां सैटेलाइट का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट उनके सर पर लगा हुआ है, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी सैटेलाइट की, वो तो डायरेक्ट बात अल्लाह से करते हैं सीधे और उसी के सुनते हैं। तो मेरा कहना यह है कि भाई आप जिस मानसिकता से लड़ रहे हैं उनसे आप कंप्यूटर और लैपटॉप दे करके आप कुछ नहीं कर सकते। उसामा बिन लादिन बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, अलजावरी, अता खान, ये सब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे भाई। क्या कोई गरीबी के कारण वो आतंकवादी बने थे? क्या IS में इंजीनियर और MBBS पढ़े हुए जो मुसलमान लड़के जा रहे हैं, या वो जाहिल हैं क्या, गरीब हैं क्या, भटके हुए हैं क्या?
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वाला एएमयू का लड़का, कश्मीर से आने वाला, पांच पांच उसको आपने स्कॉलरशिप दी। एएमयू से गया, लश्कर तैयबा में जाके ज्वाइन कर लिया, इनकाउंटर में मारा गया। किस पे पैसा वेस्ट हो रहा है इस देश का? इसलिए मैं कहता हूं आपको यह अधिकार है, सरकार कोई सी हो, आप सरकार के खिलाफ नहीं होने चाहिए। बार बार मैं कहता हूं इस सरकार और पिछली सरकार के बारे में भी बार बार मैं एक ही बात कर, आप डराइए, धमकाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन माफ कीजिएगा, सरकार गिराइए मत। यह देश इतना दीवाना है कि इस देश में तो प्याज के दाम पर सरकार गिरा देते हैं लोग, छोटी छोटी बातों पर सरकार गिराते हैं, पूरी दुनिया में हंसी के पात्र बनते हैं आप लोग। यार ये देश प्याज के पहगे हो जाने पे सरकार गिरा देता है यार, यही हमारे मुद्दे हैं, यही हम 5000 साल सभ्यता के लोग हैं भाई, हम इतने बोले लोग हैं भाई। अपने इंटरेस्ट को समझिए, सरकार को डराइए, सरकार से मांग कीजिए, लगातार मांग कीजिए। सरकारें भी चाहती हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, सही चीज के लिए दबाव बनाइए। छोटा मेरा इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट, इसका महत्व नहीं है। सावरकर जी को इन मुद्दों पर देश में जन जागरण होना चाहिए, युवाओं को बताना चाहिए। इससे ज्यादा मुझे लगता है मेरी उम्र का कोई आदमी वीर सावरकर जी को इससे बेहतर कोई मैं श्रद्धांजलि नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।